योगा अन फिटनेस में स्वागत है आप सभी का। आप सभी को एक धार्मिक स्थल देवड़ी मंदिर पे लाया हूँ। यह देवड़ी मंदिर के बारे में मैं बताता हूँ, यह रांची से मात्र 60 किलोमीटर की दूरी पर यह देवड़ी मंदिर है। और यह देवड़ी मंदिर जो आप देख रहे हैं, यह कहते हैं कि यह 700 साल पुराना मंदिर है। इसके बारे में कई तरह की किदवंती कथा है। कहते हैं कि इस मंदिर के बारे में किसी को पता नहीं है। एक दिन किसी ग्रामीण को एक बार सपने में माता जी के बारे में आया कि माता का मंदिर यहाँ पे है। तो पूरे गांव के लोगों ने उस जंगल को ढूंढने की कोशिश की जहाँ ये सपने में आया था कि माता का मंदिर कहाँ है। उसके बाद से वो ढूंढते ढूंढते ग्रामीण ने देखा कि एक जो है देवी की मूर्ति यानी काली की मूर्ति है। इस काली की मूर्ति की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ पे इनके 16 भुजा हैं। अक्सर आप सभी यह जानते हैं कि मंदिर में लगभग 10 भुजा ही होते हैं, लेकिन यहाँ पे देवी के 16 भुजा बताई गई है। यानी यह मंदिर जो है मनोकामना मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। दूसरी एक किदवंती कथा है कि यहाँ के एक राजा हुए थे जो युद्ध में हार गए। जब उन्हें यह रात में स्वप्न आया कि तुम यदि हमारे मंदिर को बना देते हो तो तुम्हारे राजपाट सभी वापस आ जाएंगे। उसके बाद से वह राजा ने इस मंदिर का निर्माण कराया था बहुत पहले। उसके बाद से कुछ ही दिनों के बाद राजा का सारे राजपाट फिर वापस आ गए। इस मंदिर के बारे में कई किदवंती कथा है, लेकिन हाल में जो ये मंदिर प्रचलित हुई है ये है भारतीय क्रिकेट के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के द्वारा। महेंद्र सिंह धोनी जब भी रांची आते हैं तो अपने इस मंदिर में जरूर आते हैं इस माता के दर्शन करने के लिए। यह मंदिर की इतनी विशेषता यह है कि जो भी मांगते हैं आप सभी इस मंदिर में पूरी हो जाते हैं। माता इस मंदिर को पूरे कर देते हैं। आप देख रहे हैं कि इस मंदिर में कितनी भीड़ है और यहाँ पे कोई पंडित पुजारी नहीं होते हैं, यहाँ पे पाहन होते हैं। पाहन का अर्थ यह होता है कि आदिवासियों को जो पूजा करवाते हैं उसे हम पाहन कहते हैं। इस पाहन के द्वारा यहाँ पे मंदिर की पूजा आप आते हैं तो उसकी पूजा पाठ करवाते हैं। यह रांची से मात्र 60 किलोमीटर की दूरी पे है। यदि आप रांची से टाटा मार्ग की ओर जाते हैं तो बीच में ही आपको रोड के किनारे ही इस मंदिर का दर्शन हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि जब कभी भी आप यहाँ पे आएं, जब कभी भी रांची आएं, जब कभी भी झारखंड आएं, तो इस मंदिर का दर्शन जरूर कीजिए, माता का दर्शन जरूर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे माता 16 भुजा में है। बाकी किसी भी मंदिर में माता 16 भुजा में नहीं है। देखिए अभी तो खास करके चैती नवरात्र चल रहा और इस दरबार में लोगों की बहुत ही गहरी आस्था है। यहाँ पर माँ दुर्गा देवी 16 भुजाओं से विराजमान है। माँ का शक्ति अपरंपार है। जो भी भक्त यहाँ पर सच्चे मन से जो भी मुरादे लेकर आते हैं माता उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। इसलिए इस दरबार में भक्त हमेशा अपने आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। अक्सर यहाँ धोनी जी भी आते रहते हैं तो इस कारण से माता का ज़्यादा महत्व या ज़्यादा लोग जानने लगे हैं। जी तो बात सही है, वो इतने बड़े भारतीय टीम में खिलाड़ी पूरा कप्तान रह चुके हैं और इस दरबार पे वो गहरी आस्था रखते हैं, तो उनके जैसे बड़े दिग्गज यहाँ पर आते हैं तो उससे भी लोगों में उत्साह आती है। कितने बड़े खिलाड़ी इस दरबार में माता का आशीर्वाद है उसको लेकर लोग देखकर लोगों को में श्रद्धा आती है, लोग इस दरबार पे आते हैं। क्या नाम हुआ आपका? नेहा। कहाँ से आए हुए हैं आप? हम रांची से आए हुए। ये मंदिर में कब से आए हैं और क्या विशेषता है ये? ये मंदिर में ये विशेषता है कि यहाँ मनोकामना पूरी होती है। हम लोग यहाँ हमेशा आते रहते हैं, 16 साल से मतलब यहाँ आते जाते रह रहे हैं। और इस मंदिर में यह है कि नवरात्रा में थोड़ी भीड़ होती है, लेकिन आप आइए और मनोकामना आपकी पूरी होती है। हर मंदिर में 10 भुजाओं वाली माता होती है, लेकिन यहाँ पे 16 भुजाओं वाली माता है। और इस मंदिर में ये खासियत है कि मतलब आप जो भी मन्नत मांगते हैं वो मन्नत पूरी होती है। और इस मंदिर में ये जो मूर्ति है बहुत पुरानी मूर्ति है, आप देखा होगा कि पुराने पत्थरों से बनी हुई मूर्ति है। और मतलब श्रद्धा के मामले में यही है कि हमारा तो पूरा विश्वास है माता रानी पे कि मनोकामना पूरी होती है। क्या नाम हुआ आपका? मनीषा कुमारी। मनीषा जी कहाँ से आई हुई हैं? रांची से। रांची से आए हुए हैं। ये मंदिर की क्या विशेषता है, क्या पहले भी आते रहते हैं? हाँ, हम लोग आते रहते हैं हमेशा।
ये मंदिर मेरे लिए बहुत ही खास है, क्योंकि यहाँ पे जो भी हम मांगते हैं वो पूरा होता है। वो ऐसी मन्नत जो आपको पूरा हुआ? हाँ, मेरा बच्चा पुत्र पढ़ के आगे बढ़ रहा है, जो हम लोग को उम्मीद नहीं था उस उम्मीद से ज़्यादा हम लोग को माता दी है, इसीलिए हम लोग यहाँ हमेशा आते हैं। और भी दूसरे लोगों को क्या संदेश देना? दूसरों की आइए, माता का पूजा कीजिए, मनोकामना सही मतलब इच्छा रखिए माता के पास, माता इच्छा जरूर पूरा करेगी। बनमाली मछुआ ये कहानी जो मेरे पूर्वजों ने नहीं बता पाया है कि कब का ये स्थापना है, और हम लोग जब छोटे छोटे थे तो बूढ़े बुजुर्गों ने बताया करते थे प्रतिदिन 12 बजे रात को एक बाघ आकर के प्रवेश करके चला जाता था। कितना साल पुराना मंदिर है? कितना साल पुराना मंदिर है यही तो मेरे पूर्वजों ने, गांव के पूर्वजों ने नहीं बता पाया है। विजय साहू, यहाँ आए हुए कितने दिन के बाद आए हुए हैं? क्या हम आते रहते हैं, बराबर आते रहते हैं हम। क्या महिमा है माता जी की? बहुत बढ़िया है, मनोकामना एकदम अच्छी तरह से पूरी होती है, जो भी मांगते हैं मनोकामना पूरी हो जाती है। नाम क्या हुआ? विजय कुमार साहू, हम कोडरमा के रहने वाले हैं, प्रॉपर रांची में ही रहते हैं। मंदिर में आए हैं, क्या महत्ता है इस मंदिर की? बहुत बहुत महत्ता है, आज से नहीं, हम लोग बहुत साल से आ रहे हैं, ये करीब आपको लगिए 50 ईयर्स से आ रहे हैं। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो, आपको यह जानकारी काफ़ी अच्छा लगा होगा। आप जब कभी भी आइए तो यहाँ माता का दर्शन कीजिए, उनका आशीर्वाद लीजिए और मनोकामना को पूरा कीजिए। धन्यवाद, अपने कमेंट जरूर हमें बताइएगा। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो, आपको यह जानकारी काफ़ी अच्छा लगा होगा। आप जब कभी भी आइए तो यहाँ माता का दर्शन कीजिए, उनका आशीर्वाद लीजिए और मनोकामना को पूरा कीजिए। धन्यवाद, अपने कमेंट जरूर हमें बताइएगा।